अस्सलामुअलैकुम, आज मैं बना रही हूँ आलू बुखारे की चटनी। उसके लिए लिए हैं मैंने 200 ग्राम आलू बुखारे लिए हैं मैंने, और इसके अलावा चाहिए हमें नीम गरम पानी। मैं पहले इसे भिगो के रख रही हूँ, नीम गरम पानी डाल के देखें, और इसे मैं भिगोऊंगी तकरीबन 3 घंटे के लिए। उसके बाद जो है हम आलू बुखारे की चटनी बनाना शुरू करते हैं। आलू बुखारे मैंने आपको बताया था 3 घंटे के लिए भिगोऊंगी मैं, और देखें किस तरह से माशाल्लाह से फूल गए हैं ये। और अगर आप ज़्यादा टाइम देना चाहें ज़्यादा दे सकते हैं, और अच्छे ज़्यादा भीगे जाएंगे। और इसके अलावा जो चीज़ें चाहिए, पिसी हुई लाल मिर्च ली है, या आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेनी है कि जितनी आप स्पाइसी करना चाहें चटनी। शुगर आपने डबल लेनी है। मैंने 200 ग्राम लिए थे आलू बुखारे, तो मैंने चीनी ली है 400 ग्राम। इसके अलावा नमक भी हसब ज़रूरत लेना है आपने, और मैंने लिए हैं 4 मगज़। ये मैं बाद में डेकोरेशन के काम आएंगे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं आलू बुखारे जो है मैंने पैन लिया है डोंगा, उसमें मैं ये डाल रही हूँ आलू बुखारे, और मैं इसे पकने के लिए रखूँ। अब मैंने इसे चूल्हे पर रखा है। शुरू में आपने जो है आँच वो तेज़ रखनी है, बाद में दरमियानी, और इसे बस 10 से 15 मिनट लगेंगे क्योंकि इसे मैंने काफ़ी देर भिगोया है। पानी भी खुश हो गया, मिर्ची में शामिल कर रही हूँ, और पिसी हुई लाल मिर्च मैंने आपको बताया आप जितने स्पाइसी रखना चाह रहे हैं अपनी चटनी उतनी आप मिर्ची शामिल करेंगे, और इसके साथ नमक भी आपने हसब ज़रूरत शामिल करना है अपना, ये देखें इस तरह से। और इसके बाद में इसमें चीनी शामिल कर रहे हैं। 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगी। दरमियानी आंच पे इसे पकने देना है। अब इसे मिक्स करके मैं इस दरमियानी आंच पे पानी इसका पकने लग जाए, फिर मैं इसे पकने दूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से 10 से 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये तैयार हो गई। आलू बुखारे की चटनी माशाल्लाह तैयार है, और इसमें मैं 4 मगज़ डाल रही हूँ। और इसमें आपकी मर्ज़ी है, अगर आप शामिल करना चाहें कर लें, वरना जब आप इसे शामिल कर लेते हैं तो इससे जो है टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, और ये और ज़्यादा अच्छी लगती है, और जो खुशबू है इसकी माशाल्लाह वो भी अच्छी आती है। चटनी माशाल्लाह तैयार है, इस तरह से आपके सामने देखें, और इसे मैंने जो है 10 से 15 मिनट सिर्फ पकाया है, और ये इसका पानी देखें आप ठंडा होने पर इसने थोड़ा सा थिक भी हो जाना है। गरम गरम समोसों के साथ आप ट्राई करें इंशाल्लाह। और मैंने इस पर वो भी डाल लिए थे 4 मगज़, आप गरम गरम समोसों के साथ इंशाल्लाह इसे फ्राई करें। माशाल्लाह आलू बुखारे की चटनी तैयार है, और बहुत ही जो है अच्छी बनी है ये, आप इंशाल्लाह ट्राई करें। और ये देखें आलू बुखारे जो है खुरे भी नहीं हैं, और थिकनेस आप इसे आप जितनी इसकी रखना चाहें रख सकते हैं। 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो गई थी, और इस पर जो है मैंने वो भी डाल लिए थे 4 मगज़। इस तरह से इसमें मिक्स कर लेना है, आप इंशाल्लाह ट्राई करें, अच्छी बनेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।